दोस्तों इस बार काफी अच्छी हमारी बजिस पैरट की क्लोन में काफी अच्छी ब्रीड आई है। ब्रीड में आप सामने देख सकते हैं रेनबो का बजिस जो है छोटा चिक्स निकला हुआ है। दोस्तों ऐसे ही हमारी क्लोन में काफी अच्छी और काफी कलरफुल चिक्स आए हुए हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि जब आपकी कलोनी या आपके केज में बजिस पैरट ब्रीड करते हैं तो इनके चिक्स जब मटकियों से बाहर आना शुरू कर देते हैं तो उनको कब अलग करें, क्या सही समय होता है उनको अलग करने का और उन्हें अलग करना जरूरी क्यों है। दोस्तों इस बारे में हम आज का वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम को काफ़ी देर कोई 3-4 साल से हम बजिस पैरट रखे हुए हैं दोस्तों और हमने जो गलतियां अपने स्टार्टिंग टाइम में की है वो आप दोस्त ना करें क्योंकि अगर आपने वो गलतियां की तो आपको जो है ब्रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बच्चे भी जो होंगे वो मर जाएंगे। दोस्तों ये आपको एक येलो कलर का एक चिक दिख रहा होगा, इसके दोस्तों इन्होंने मार मार के इनके सिर को जो है फोड़ दिया हुआ है, ये सामने बैठा हुआ है, इसके सिर को इन्होंने मार मार के टकला कर दिया दोस्तों इनको। दोस्तों ब्रीडिंग कॉलोनी में आपको जो बजिस पैरट के चिक्स है वो अलग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जिसका एक कारण ये है दोस्तों कि जब ब्रीडिंग कॉलोनी में दोस्तों आप जो है ब्रीड लेते हैं तो ब्रीड लेते लेते आपके जब चिक्स जो है ब्रीडिंग बॉक्स या ब्रीडिंग मटकी से जब आपके बाहर आना शुरू कर देते हैं तो आप अगर उन्हें अलग नहीं करेंगे तो वो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। दोस्तों आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरी कॉलोनी में कितने चिक्स हो रहे हैं या कितने जो हैं अडल्ट हैं कितने सेमी अडल्ट हैं, उसका कोई भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जिसके कारण एक समय ऐसे आएगा कि जो चिक्स एक समय में दोस्तों बड़े होना शुरू हो जाएंगे वो ब्रीडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इन हालातों में आपकी कॉलोनी में मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के लिए दोस्तों फाइटिंग होना जो है शुरू हो जाएगा और आप इसके लिए जो है दोस्तों परेशान हो जाएंगे। जो हमने भी स्टार्टिंग में गलती की है दोस्तों आप उसे ना दोहराएं। अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी में आपको पेयर्स की संख्या पर नज़र रखनी है दोस्तों कि आपके पास ब्रीडिंग कॉलोनी में कितने पेयर है। दोस्तों ये जानकारी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और हमारे पास आपके पास कितनी मटकियां लगी हुई हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मुख्य कारण दोस्तों इसका ये है कि जब बच्चे जो है मटकी से बाहर आ जाते हैं दोस्तों तो वो अगर आप उन्हें अलग केज में या किसी अलग मटकी में कॉलोनी में शिफ्ट ना करें तो इन हालातों में दोस्तों आपके बड़े पैर जो है बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि बच्चों को कोई भी पता नहीं रहता, वो जहां भी आता है वहां बैठ जाते हैं। ब्रीडिंग पेयर्स को तो पता होता है कि ये मेरी मटकी है, कुछ ब्रीडिंग पेयर्स जो है बड़े ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं दोस्तों, वो जो है बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं और इन हालातों में आपके बच्चों के कहीं सिर पे फायदे नहीं होंगे, कहीं कहीं काटा होगा कहीं, और उनको जो है वो बच्चे आपके जो है कमज़ोर रह जाएंगे क्योंकि वो समय से ना खा पाएंगे ना पी पाएंगे क्योंकि वो डरते डरते आपकी कॉलोनी में रहेंगे। दोस्तों जो है ब्रीडिंग कॉलोनी से अलग करना है किसी अन्य कॉलोनी में या किसी अन्य केज में जहाँ पर आप ब्रीड नहीं लेते हो दोस्तों। और दोस्तों बच्चों को अलग करने के लिए सही समय 45 दिनों के बाद ही होता है जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए। और दोस्तों बजिस पैरट के चिक्स को अलग करने से पहले आपको एक खास बात का ध्यान रखना है दोस्तों, बजिस पैरट को अलग करने से पहले आपको जो बात का ध्यान रखना है वो ये है दोस्तों कि जो बजिस पैरट है वो अच्छी तरह से फ्लाई करना सीख गया हो। दोस्तों काफ़ी बार ऐसा होता है कि बजिस पैरट के कुछ चिक्स होते हैं जो समय से पहले ही मटकी से बाहर आ जाते हैं और कुछ चिक्स होते हैं जो कि थोड़ी देर से आते हैं। इन हालातों में कुछ जो नए बिगनर्स होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं कि जल्द से जल्दी अपने बजिस पैरट के चिक्स को उठा के जो है सेपरेट कर देते हैं और इन हालातों में जो है चिक्स की जो है मौत होने की संभावना भी हो जाती है क्योंकि उस वो जो है खुद से खाना खाना नहीं सीखा होता। दोस्तों आपने जो करना है उसको जो है एक हफ्ता कम से कम उसको जो है उसी केज में आपने रहने देना है क्योंकि बजिस पैरट के जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों वो एक हफ्ता जो है अपने चिक्स को मटकी से बाहर आए हुए भी फीड कराते हैं दोस्तों। जिस चिक्स के फैदर दोस्तों वेंट एरिया में नहीं आए होंगे उस चिक्स को आपने कॉलोनी में ही रहने देना है क्योंकि ऐसे चिक्स प्रॉपर से नहीं उठ पाते
जिसके कारण बाकी बजिस पैरट इन्हें जो है मारते हैं दोस्तों, और इन्हें घायल कर देते हैं दोस्तों, जिसके कारण आपके चिक्स जो है अनहेल्दी रह जाते हैं और कभी किन्हीं हालातों में इनकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों अगर आप भी अपनी कॉलोनी में ऐसे चिक्स जो आत्मनिर्भर हो गए हैं इनको आप अलग कर देंगे तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपकी ब्रीडिंग पे जो है पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बर्ड्स जो आपकी कॉलोनी में ब्रीड नहीं कर रहे, ऐसे बर्ड्स को आपकी कॉलोनी में आपने नहीं रखना, क्योंकि अगर आप ऐसे बर्ड्स आपकी कॉलोनी में रहेंगे तो कॉलोनी में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और बर्ड्स भी जो है ये ब्रीडिंग सीजन में जो है टाइम में अग्रेस काफ़ी जो है गुसेल हो जाते हैं और वो जो है 24 घंटे लड़ते ही रहेंगे बाकी चिक्स के साथ, चिक्स भी अनहेल्दी रहेंगे और बर्ड्स भी जो है बार बार डिस्टर्ब होता रहेगा ब्रीड वाला। दोस्तों अगर आपने इन सारी टिप्स को माना तो आपकी जो ब्रीडिंग जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन होती जाएगी और आप जो है आप और भी ज़्यादा अपने बर्ड से जो है ब्रीड ले सकेंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये सारे चिक्स जो मैंने अभी अभी अपनी ब्रीडिंग कॉलोनी से निकाले हैं वो सारे चिक्स हमने इस केज में जो है शिफ्ट कर दिए हैं। ये हमने मिनी कॉलोनी बनाई है, इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा चिक्स जो अभी तक आ जाते हैं दोस्तों, ये हमारे इस लॉट में इतने से चिक्स हमारे जो है हमने शिफ्ट कर दिए हैं कॉलोनी से इस केज में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब कभी हम फ्यूचर में अपने इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।